प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास से संबंधित समस्थित की संकल्पना के अगले भाग पर आज हम चर्चा करेंगे। अब से पहले हमने समस्थिति की संकल्पना क्या है, उसका प्रतिपादन एरी महोदय की संकल्पना के ऊपर विचार किया था। आज हम प्राट की संकल्पना और दूसरे जो विद्वान हैं उनके संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव अपने व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ आपके सामने। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि जब भारत में सर्वेक्षण का कार्य हो रहा था तो कल्याण और कल्याणपुर के लिए जो अक्षांशीय माप में अंतर आया था 5.236 सेकंड का, वो आपको ध्यान होगा। और प्राट महोदय ने हिमालय का घनत्व, औसत घनत्व 2.75 मान करके उस आकर्षण की गणना की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो अंतर आ रहा है नाप में, ये अंतर वास्तव में कम आ रहा है, ज़्यादा आना चाहिए था, 15.885 सेकंड का अंतर उन्होंने कैलकुलेट किया। हिमालय की चट्टानों और समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर प्राट महोदय ने बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व समुद्र की तली से कम होता है। अर्थात उनकी मान्यता थी कि ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध होता है। प्राट ने एक क्षतिपूर्ति तल की कल्पना की कि भूगर्भ में एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है, जिसके आधार पर घनत्व में अंतर आता है, उसके नीचे समान घनत्व होता है। उनका मानना है कि एक स्तंभ में घनत्व बदलता नहीं है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। अर्थात जैसे मैदान मैदान का घनत्व एक जैसा है, पर्वत पर्वत का एक जैसा है, लेकिन पर्वत और मैदान के घनत्व में भिन्नता है। प्राट के अनुसार पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे द्रव्यमान भी बराबर होना चाहिए, इस तथ्य को उन्होंने माना और इस तथ्य के आधार पर उन्होंने एक क्षतिपूर्ति रेखा की बात की। वो अपने मत को स्पष्ट करने के लिए वो कहते हैं कि ऊंचा स्तंभ है उसका कम घनत्व है और नीचा स्तंभ है उसका अधिक घनत्व है। इस तरह की मान्यता प्राट महोदय की है। तो प्राट महोदय ये कहते हैं, एरी कहते हैं कि घनत्व समान होता है, जबकि प्राट महोदय कहते हैं कि विभिन्न जो उच्चावच हैं, पर्वत पठार मैदान, उनका लेवल ऑफ कंपनसेशन जो है उसके ऊपर घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। जैसे उन्होंने चांदी, जस्ता, पायराइट, टिन, लोहा, निकिल, तांबा, सीसा इत्यादि के भिन्न भिन्न लंबाइयों और समान धरातलीय क्षेत्रफल के टुकड़े लेकर के उनको पारे से भरी एक नाद में डुबोया डाला, तो वो सभी नीचे धरातल पर एक रेखा के सारे खड़े थे, लेकिन उनकी ऊपर की जो ऊंचाइयां थी वो भिन्न भिन्न थी, इस तरह से वो उसमें तैर रहे थे। तो एक तरह से प्राट का जो मत है इसमें तैराव के सिद्धांत का भी कहीं झलक मिलती है। बोवी महोदय कहते हैं कि एरी और प्राट में जो प्राट के मतों में जो भिन्नता है वो इस बात को लेकर के है कि एरी कहता है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, उनकी गहराई में अंतर होता है, जबकि प्राट कहता है कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर पाया जाता है। ये इनके मतों की भिन्नता है। अब इसी तरीके से हैफोर्ड और बोवी ने भी अपनी संकल्पना प्रस्तुत की है। हैफोर्ड बोवी ने प्राट के मत से मिलता जुलता ही अपना मत रखा है। हैफोर्ड के अनुसार भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान हैं, परंतु धरातल के नीचे की तरफ कुछ गहराई में यदि हम जाते हैं तो एक ऐसा तल आता है
जिसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है तथा नीचे की तरफ घनत्व समान होता है। इसको हैफोर्ड ने लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा, समतोल तल की संज्ञा दी और बताया कि समतोल तल 100 किलोमीटर की गहराई पर है। इस तल के ऊपर कम घनत्व वाली चट्टानी जो भाग हैं उनकी ऊंचाई अधिक है और अधिक घनत्व वाले जो चट्टानी भाग हैं उनकी ऊंचाई कम होती है। इस प्रकार सभी स्तंभों का भार समतोल तल के ऊपर बराबर होता है। समतोल तल की विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए बोवी ने एक उदाहरण पेश किया और उन्होंने सीसा, लोहा, एंटीमनी और जस्ते के जो भिन्न भिन्न लंबाइयों के टुकड़े थे और जिनका धरातल का क्षेत्रफल बराबर था वो उन्होंने पारे से भरी नाद में डाले और डालने पर उन्होंने देखा कि वो सभी तैर रहे थे और तैरते हुए जो टुकड़े थे उनकी बाहर जो पारे के बाहर ऊंचाइयां थी वो भिन्न भिन्न थी लेकिन नीचे सभी एक लेवल पर एक रेखा में थे। तो उन्होंने इसको क्षतिपूर्ति तल का नाम दिया कि इसके नीचे का जो पारा है वो इसकी क्षतिपूर्ति कर देता है और उस क्षतिपूर्ति के कारण जो ऊंचे भाग हैं और नीचे भाग हैं वो तैरते रहते हैं और उनमें स्थिरता कहीं ना कहीं दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से जो समतोल रेखा है उसके ऊपर घनत्व लंबवत रूप में बदलता है, क्षैतिज रूप में नहीं बदलता। उन्होंने जो क्षतिपूर्ति तल है उसकी कल्पना की कि वो लगभग 112 किलोमीटर के आसपास मिलता है। 112 किलोमीटर की गहराई में क्षतिपूर्ति तल की कल्पना उन्होंने की। अब इसी तरीके से जोली है, जोली ने भी अपनी संकल्पना प्रस्तुत की है। जोली का जो विश्वास है वो तैराव के सिद्धांत की झलक उनके मत में मिलती है। वो भी एफोर्ड बोवी के अनुसार लगभग जो तैराव का सिद्धांत है उसी में विश्वास करते हैं। इसी तरीके से आर्थर होम्स हैं। आर्थर होम्स मानते हैं कि पर्वतीय भागों के नीचे सियाल की जड़ है जबकि समुद्र की तली के नीचे सियाल की जड़ न के बराबर है। आर्थर होम्स मानते हैं कि पर्वतों के नीचे जो सियाल की जड़ है उसकी जो गहराई है वो करीब 40 किलोमीटर है जबकि समुद्र तली के नीचे सियाल की गहराई नाम मात्र की है। तो ये चूंकि सियाल में ये डूबे हुए हैं तो जो ज़्यादा गहरा डूबा हुआ है वो हल्के घनत्व वाला है और जो कम गहराई तक डूबा है वो अधिक घनत्व वाला है। इसी से उनका वो जो भार है वो संतुलित हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि भूतल पर जो संतुलन की व्यवस्था है ये कैसी है, ये प्रादेशिक है या स्थानीय है। इन सब मतों का अध्ययन करने से ये लगता है कि जो संतुलन की व्यवस्था है वो प्रादेशिक है। प्रादेशिक तो है ही, स्थानीय तौर के ऊपर उसमें असंतुलन की स्थिति आ सकती है क्योंकि भूगर्भिक शक्तियाँ जो हैं वो लोकल लेवल पर इस संतुलन की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, इससे अव्यवस्था हो सकती है। लेकिन प्रादेशिक स्तर के ऊपर सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि संतुलन कायम रहता है। स्थानीय स्तर के ऊपर संतुलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर भूगर्भिक शक्तियां कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं तो नहीं होगा और अगर डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं तो होगा। जब किसी स्थान पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है तो उस पर शीघ्र ही अपरदन का कार्य आरंभ हो जाता है और इस प्रकार जब अपरदन होता है तो पर्वत के ऊपर से मलबे का घिसाव होता है और वो मलबे का घिसाव होने के बाद वो मलबा नदी के साथ बह करके समुद्र की तली में जा करके जमा होता है।
तो समुद्र की तली पर भार बढ़ता है और पर्वत से भार घटता है। इस तरह से पर्वत हल्के होते हैं और समुद्र की तली भारी होती है, और इस भार में अंतर के कारण समुद्र की तली नीचे धंसती है, नीचे दबाव पड़ता है चट्टानों पर, और पर्वतीय भाग हल्के होने के कारण, क्योंकि उनका अपरदन हो रहा है इसलिए हल्के हो रहे, तो वो ऊपर की ओर उठने की कोशिश करते हैं। और जो सबस्ट्रेटम का भाग है, सबस्ट्रेटम के भाग में इसी कारण से समुद्र की तली में भार अधिक होने से वहाँ से आधा स्तर में सबस्ट्रेटम में जो हमारी पिघली हुई जो मैग्मा है, वो मैग्मा वहाँ से शिफ्ट होती है पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों के निचले भागों की तरफ, और फिर वो पर्वतों को ऊंचा उठा देती है, जिसके कारण से वहाँ संतुलन कायम होने की बात फिर से हो जाती है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि धीरे धीरे ये जो अपर्दित भाग थे इनके पर्वतों के, और जो समुद्र की तली के ऊपर जो मलबा जमा था उसके कारण अधिक भार हो गया था, अब समुद्र की तली के नीचे ही नीचे जब पदार्थ पर्वतों की निचले भाग की ओर, सबस्ट्रेटम में जो उनका निचला भाग है उस तरफ पूर्ति होती है, तो ये क्षतिपूर्ति होती रहती है, और क्षतिपूर्ति के कारण एक स्थिति ऐसी आती है जब संतुलन वापस कायम हो जाता है, और जब वो पुनः संतुलन कायम होता है तो फिर वो एक पूर्व जैसी स्थिति आ जाती है। इस तरह से हमने देखा कि समस्थिति की जो संकल्पना है वो विभिन्न ऊंचाई वाले पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र की तली और दूसरे जो स्थल रूप हैं उनके मध्य संतुलन कैसे कायम होता है, कैसे कायम रह सकता है, इनके संतुलन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने मत रखे हैं। जैसा आपने एरी मोदे का, प्राट मोदे का, हैफोर्ड बोवी का, आर्थर होम्स के मतों के ऊपर, जोली के मतों के ऊपर हमने चर्चा की है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से एरी और प्राट के मतों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एरी और प्राट के मतों पर अनेक बार प्रश्न आए हुए हैं, यद्यपि हैफोर्ड बोवी के ऊपर भी प्रश्न आया है, लेकिन अधिकांश जो प्रश्न बनता है वो एरी और प्राट के मतों पर आता है। इसलिए आपको चाहिए इस पूरी संकल्पना को अच्छे से समझें, और अच्छे से समझ करके उसको विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिहाज से तैयार कर लें। बड़े प्रश्न के रूप में भी आ सकता है और छोटे प्रश्न भी इसमें से कई सारे बन सकते हैं।